आप देख रहे हैं टीजी 24, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों से। मीरपुरी कोतवाली क्षेत्र के ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर बस चढ़ने से अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसमें एक सवार 4 से 5 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। आपको बता दें कि ओझा के ग्राम नहिला नगरिया से एक प्राइवेट बस में बारात बेवर के ग्राम करपिया जा रहा था, जिसे जैसे ही बारात मेनपुरी कोतवाली क्षेत्र के ज्योति रोड पर पहुंची, तभी ओवरटेक करते समय बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और डिवाइडर पर चढ़ने की वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 4 से 5 लोग घायल हो गए। आरएम फरन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में सवार लोगों को बाहर निकाला, तो वहीं घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है। वहीं मौके पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी नगर संतोष कुमार सिंह ने क्रेन की मदद से बस को रोड से हटाने का काम किया है और पूरी घटना की जानकारी दी है। टाटा कंपनी के पदाधिकारियों एवं बरनाहल पुलिस संयुक्त कार्यवाही नकली फैक्ट्री से लाखों रुपए का नकली नमक बरामद किया है। फैक्ट्री संचालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गाजियाबाद के थाना साहिदाबाद के अंतर्गत 2 दुकानों से भारी मात्रा में डुप्लीकेट नमक बरामद हुआ था। वहीं पकड़े गए दुकानदारों ने पूछताछ में मेनपुरी से डुप्लीकेट नमक की सप्लाई की बात स्वीकार की, जिसके बाद टाटा कंपनी के अधिकारियों ने साहिदाबाद पुलिस और मेनपुरी के थाना बरनाहल की पुलिस के साथ निशानदेही पर बरनाहल थाना क्षेत्र के नगला नधा में छापेमारी कर भारी मात्रा में नमक, होलोग्राम रैपर व नमक बनाने के उपकरण बरामद किए, जिसमें लगभग 400 पैकेट 1 किलो टाटा और लगभग 800 पैकेट आधा किलो टाटा नमक के बरामद हुए, लेकिन फैक्ट्री संचालक व कारीगर भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना बरनाहल क्षेत्र में नकली टाटा नमक बिकने की सूचना उनके जो टाटा कंपनी के तरफ से लोग आए थे, उन्होंने ये सूचना पुलिस को दी कि कुछ दुकानों पे हमारा जो प्रोडक्ट है टाटा साल्ट का, उसके नकली बेचा जा रहा है। इस पर थाना बरनाहल पुलिस भी उनके साथ मदद में गई और उन्होंने छापा मारकर करीब 1 केजी के 393 पैकेट्स पकड़े, जो उन्होंने नकली बताए कि उसमें कॉपीराइट का उल्लंघन करके वो बेचा जा रहा है। इसके अलावा 500 ग्राम के करीब 800 पैकेट उन्होंने पकड़ा, कुछ और सामान भी पकड़ा जो नकली नमक तैयार किया जा रहा था। इस पे 420 और जो कॉपीराइट की धाराएं हैं उसके तहत थाना बरनाहल में 3 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। कुशीनगर जनपद के विशनपुरा थाना अंतर्गत दुधी चिराग की कई बीघा सिलिंग भूमि जो आज तक बंजर थी, उसे माफियाओं की आंख लगी तो रातों रात महल बनाने का फाउंडेशन नींव खड़ा कर दिया। अगले दिन तहसीलदार और नगर पंचायत की टीम मौके पर जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची, परंतु अकेले एक व्यक्ति के विरोध पर तहसीलदार और नगर पंचायत टीम को वापस लौटना पड़ा। प्रशासन की लाचारी को देखते हुए स्थानीय लोगों ने बीते रात सभी अवैध रूप से किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद प्रशासन फिर एक बार हरकत में आई। आज मंगलवार को दोपहर तहसीलदार भरी पुलिस बल के साथ दुधी चिराग में हो रहे अवैध निर्माण की जगह पहुंची, फर्राटे के साथ सभी अतिक्रमण कार्यों को धरपकड़ शुरू की तो चारों तरफ भगदड़ की स्थिति मच गई। मौके से अतिक्रमणकारी फरार हो गए और सभी भारी मौके से पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। बता दें कि घटना करीब 22-23 फरवरी की है, जब घर के सभी लोग रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए हुए थे, तभी चोरों ने घर को सूना देकर इस घटना को अंजाम दिया।
घटना को अंजाम देते समय रात के करीब 2 बजे के आसपास घर मालिक के भाई और मामा जब घर आए और मेन गेट का ताला खोलने लगे, तभी घर के अंदर से कुछ आवाज आई। जब उन्हें आभास हुआ कि घर में चोर है, तो उनके चिल्लाने पर चोर भागने लगे और उन्होंने उनके ऊपर 2 फायर किए, फिर तमंचा को लहराते हुए भाग गए। पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पुलिस अधिकारी, सर्विलांस टीम और फील्ड यूनिट पहुंची और मौका मुआयना में जुटकर बताया जा रहा है कि चोर 70,000 की नकदी और लाखों के जेवर लूट कर ले गए हैं। मौके पर ही घर के बाहर एक 2-पहिया वाहन खड़ा मिला। ऐसी आशंका है कि किसी पर सवार होकर चोर चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। घटना जनपद बांदा शहर के शंकर नगर की है। सर, चोरी की वारदात हुई है, क्या है पूरी घटना और किस तरह से? ये रात में 3 बदमाश जैसा बताया जा रहा थे, ये चोरी कर रहे थे। इनके घर में शादी थी भतीजी की, उसी शादी में लोग गए हुए थे और ये लगभग 1:52 पर आ भी गए। तब तक ये घटना को, वारदात को अंजाम दे रहे थे और जब ये लोग पहुँचे हैं तो ये छत से कूद कर भागे हैं। इन्होंने 3 ताले तोड़े हैं, लॉकर तोड़ा है, इससे जो भी जेवरात थे वो ले गए हैं। लगभग 70,000 नकद बता रहे हैं वो गया हुआ है। इसमें हमारी मौके पे फील्ड यूनिट है, हमारी सर्विलांस की टीम है, सभी अधिकारी मौके मौजूद हैं। इसको इसमें काम शुरू हो गया है, जल्दी ही इसका घटना का अनावरण करके माल और सर परिजनों का आरोप है कि 2-3 फायर भी हुए हैं, क्या ऐसा कुछ मामला? हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि फायर भी हुआ है। तकरीबन कितने की चोरी हुई, कितने लाख की? अब ये अभी सूची देंगे तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। बेगूसराय के दिनकर भवन में जिला अल्पसंख्यक प्राथमिक शिक्षक के द्वारा जिला सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे बिहार के कानून मंत्री सह बेगूसराय प्रभारी मंत्री शमीम अहमद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान भारी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया, साथ ही साथ इस सम्मेलन में RJD के वरिष्ठ नेता तनवीर हसन हिस्सा लिए। इस दौरान कानून मंत्री शमीम अहमद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों के द्वारा जिला अल्पसंख्यक प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य है उर्दू को आगे ले जाना, पहले से और उर्दू को बेहतर बनाना। उन्होंने कहा कि कोई भी भाषा एक धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, ये उर्दू जुबान है, ये 7 जुबान है, लोगों को सुनकर फायदा उठाना चाहिए। तौर पे अकलियती प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले किया गया, क्योंकि जो प्राइमरी टीचर होते हैं वो बच्चों को ज़बान की भी तालीम देते हैं और एक बच्चा अपने बचपने में जिस ज़बान को सीखता है पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर उस ज़बान का असर होता है। उर्दू तहजीब, तमदन, शाइस्तगी, वक़ार और तहजीब की ज़बान है, हिंदुस्तानी ज़बान है और इसमें दूसरी तमाम ज़बानों की बोलियां शामिल हैं। इसकी खूबसूरती को हर फर्द तक पहुंचाने के लिए, इसे सरजमीन पे नाफिज करने के लिए आज की एक बड़ी कोशिश की गई और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस कोशिश के बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे। NTPC बरौनी द्वारा कराए जा रहे स्कूली छात्र छात्राओं के लाभ एवं स्कूलों का कार्य कराए जा रहे, जिसमें शौचालय, कक्षावास, 4 दीवारी निर्माण, डेस्क बेंच वितरण, शीतलहरे के उपरांत स्वेटर वितरण, सीलिंग फैन वितरण, सैनिटरी नैपकिन वितरण एवं स्कूल बैग वितरण समय समय पर कराया जा रहा है। इसके उपरांत मेघावी छात्र NTPC की योजना अंतर्गत पिछले 2 वर्षों से उत्कर्ष छात्रवृत्ति प्रदान कराई जा रही है और नवाचारी प्रयोग के रूप में स्कूल के दीवारों पर शैक्षिक चित्रों के माध्यम से पाठ्य सामग्री का चित्रण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। बेगूसराय हड़ताली चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन लोजपा रामविलास के द्वारा एक विशाल धरना का आयोजन बेगूसराय में किया गया। कुल 5 सूत्री मांगों के समर्थन में समरणालय के दक्षिण द्वार पर आयोजित इस धरना में जिला के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल थे। जिला अध्यक्ष प्रेम पासवान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नेताओं ने कहा कि आज के धरना का मुख्य उद्देश्य बिहार के गैर सरकारी विद्युत उपभोक्ताओं, लघु उद्योगों एवं BPL धारी विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना। इस अवसर पर नेताओं ने सरकार से मांग की है कि वर्तमान विद्युत शुल्क में 30% की कटौती की जाए और स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर मीटर रीडिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट लगाया जाए। लोड नहीं रहने के बावजूद अधिक लोड खफा दिखाने वाली प्रॉपर्टी प्रीपेड मीटर की तुरंत बदला आए। सभी कृषि एवं लघु उद्योग की रियायती विद्युत उपलब्ध कराया जाए, साथ ही साथ BPL भारी
बीपीएल धारी उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाए। खबर बलिया जनपद के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत महरेव की है, जहां 650 वर्ष पुरानी अति प्राचीन शिव मंदिर जो महेश्वर नाथ के नाम से सुप्रसिद्ध है, मान्यता है कि उस मंदिर के नाम पर पंचायत महिलाओं मीडिया से रूबरू होते हुए प्रधान तथा पूर्व जिला पंचायत सदस्य अभय नारायण गुप्ता और अशोक ने बताया कि मंदिर की मान्यता है कि ग्रामीण इलाकों के साथ साथ आसपास के जनपद के लोग भी पूजा पाठ के लिए आते हैं। वहां के सबसे बड़े कष्ट की बात तो ये है कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार के क्रम में न तो मंत्री न विधायक और न ही सांसद का ध्यान आकृष्ट हो पा रहा तथा बताया जा रहा है कि मंदिर के जीर्णोद्धार में ग्रामीण तथा क्षेत्रीय लोगों के सहयोग के कारण अतः इस परिस्थिति में किसी सरकारी तंत्र का सहयोग न हो पाना बहुत ही कष्टदायक है, जिसकी जितना भी निंदा की जाए उतना कम है। आइए सुनाते हैं पूर्व प्रधान ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। आप एक अपना परिचय बताइए। अशोक कुमार गुप्ता, चितवाड़ा गांव, फिरोजपुर, पूर्व प्रधान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी। क्या है पूरा मामला प्रधान जी? पूरा मामला है पत्रकार महोदय, यहाँ महरेव गांव है जी, ग्राम पंचायत महरेव, वहाँ महेश्वर नाथ का अति प्राचीन मंदिर है, 600-700 वर्ष पहले का जी, उसके सटे हुए गंगा जी बहती पहले जी, वही मंदिर का नया साल में पहली तारीख को हम गए एक बोरी सीमेंट लेकर के जी, कि जो पाया वाया में जो नोना लग के गिर गया है तो उसका मरम्मत करा के और पेंट कराया जाए मंदिर, तो धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ते गए और इसका मैंने नीचे टाली लगा, जितना दूर नोना पकड़ता है उतना दूर टाली लग गया। प्रधान जी फिलहाल स्थिति वहाँ क्या है, किस प्रकार का मामला है और क्या परेशानी है आपको? परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से पहले उत्साहित लोग थे, काम में जुटे हुए थे, थोड़ा उत्साह कम हो गया है। कारण क्या है उत्साह कम होने का? अब कुछ लोगों का तो कहना यह है कि इनको फिर प्रधानी लड़ना है। अच्छा, ये काम करा रहा है, ये आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? जी हाँ। जब ये आरोप कौन लगा रहा है? अरे कुछ लोग लगा रहे हैं, हम किसको कहेंगे कौन लगा रहा है। अच्छा। जबकि हम जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं तो प्रधानी लड़ने का क्या सुख है हमारा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी वहाँ की स्थिति क्या है, मंदिर पर काम चल रहा है? हाँ हाँ। या क्या हो रहा है वहाँ? मंदिर पर काम चल रहा है, मार्बल आया है गुंबद पर लगाने के लिए, हमेशा रंगाई पोताई में गुंबद पर दिक्कत होती थी, तो ये हो रहा है कि मार्बल लग जाए कि रंगाई का झंझट खत्म हो जाए। पूर्व में जो मंदिर वो बनी थी, क्या उसको पूरी तरह से तोड़कर नया स्तर से बनाया जा रहा है? जी हाँ, 225 वर्ष पहले का वो मंदिर था, उसके पहले तो शिवलिंग था सिर्फ। हाँ हाँ। छोटा सा, बहुत छोटा सा मंदिर था, लेकिन 225 वर्ष पहले का मंदिर था, तो उसको पूरा ढा दिया गया है। उसकी अर्थात कहने का मतलब ये है कि जीर्णोद्धार किया जा रहा है, नए तरीके से बन रहा है। तो इससे आसपास के लोगों में काफ़ी खुशी होगी? हाँ हाँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अच्छा, तो उसमें लागत जो आ रही है वो किसके द्वारा लगाई जा रही है, कौन लगा रहा है? सबके सहयोग से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मड़ियाओं थाना क्षेत्र अंतर्गत अजीज नगर कॉलोनी की है, जहां तिलक के दौरान घर में भयंकर आग लग जाने से सारे सामान जलकर खाक हो गए। अजीज नगर कॉलोनी में लगी एक घर में भीषण आग, तिलक समारोह से पहले घर में लगी आग, सामान जलकर हुआ खाक, घर में रखे 4 सिलेंडर में लगी थी एक साथ आग। इस हादसे में घर में मौजूद लोग हुए गंभीर रूप से घायल, मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। अजीज नगर में रहने वाले दीनदयाल के मकान में लगी आग, युवती खुद को बचाने के लिए कूदी छत से, पैर हुआ फ्रैक्चर। सिलेंडर भट्टी लगा के चेक तीन जाते रहे, बस 12 लाख सिलेंडर वो है, घरे रहा 5, एक सिलेंडर फुल फट गवा। अच्छा। नहीं पिया रुपया हमारा,
चार लाख रहा थे, मैं 50 लाख भैया मंडी लेके चलेगा, 3.5 लाख रुपया हमारा वह तीर रह गए। तो पैसे का भी कुछ नुकसान हुआ है? पैसा 3.5 लाख और बाकी सब बाकी हलवाई के सामान आई रहा है। घर में कोई शादी का भी फंक्शन बताया जा रहा है? जने परसों शादी। किसका? लड़का का। अच्छा, क्या कोई घायल भी हुआ इसमें? मिश्रा जी बहुत जल गए, 4-5 लोग बहुत घायल हो गए, बिटिया पैर टूटा, मिश्रा जी बहुत घायल हो गए, सब खाल नीचे आ गए। उकील का यहाँ यहाँ पर जो सूचना आई हमारे लगभग 11:30 बजे करीब आई थी, और इस घर में जो है एक फंक्शन होने वाला है, कल सगाई होने वाली है, तो इस उपलक्ष्य में जो वहाँ खाना वाना बन रहा था, तो वहाँ से लेके भी 4 सिलेंडर वहाँ रखे हुए थे, तो उसी सिलेंडर में जो है आग पकड़ ली और वहाँ एक सिलेंडर फट गया, और जो मालिक हैं वो आग बुझाने में थोड़ा सा झुलस गए, उनके जो बेटे थोड़े से झुलस गए, और जो बेटी है उनकी वो जब अपने बचने के लिए वहाँ से जो है वो जंप लगा दी उसने, तो वो थोड़ा सा इंजर्ड है। बारातियों से भरी बस ट्रॉली से टक्कर कर पलटी, बस सवार दूल्हा समेत 13 बाराती हुए घायल, सभी घायलों को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कोतवाली देहात इलाके के टिकोरा मोड़ की घटना। ऋषि कुमार श्रीवास्तव। ये आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग केशवापुर के रहने वाले। अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग जा रहे थे खैरी घाट बारात भतीजे की शादी। अच्छा, फिर क्या हुआ, हादसा कैसे हुआ? हादसा गाड़ी जा रही थी हमारी, मतलब नॉर्मल स्पीड में थी, मुश्किल से 35-40 की स्पीड में थी, और उधर से जो बाईपास रोड बन रही है उधर से ट्रैली और ट्रैक्टर जो है भट्टी के आ रही थी, और इतनी स्पीड में आ रही थी उसको मोड़ना था जबकि, लेकिन सीधे लाई के बस के आगे आएगी। अब जब बस के आगे से एक बार ब्रेक मारी और उसको मारने के बाद एक बार स्टेयर कट गई, अब धीरे से ले जाएगा आराम पलट गई। कितने लोग चोट खाए? अब चोट फिलहाल तो 4-5 लोग खाए, और बाकी हल्का फुल्का तो सबके लगा हुआ कुछ ना कुछ तो। अच्छा, ये किसके यहाँ शादी थी? राकेश कुमार श्रीवास्तव। ये क्या करते हैं? ये होमगार्ड। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीली राख से हो रहे हैं प्रदूषण के खिलाफ किसानों का भव्य प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठे किसान। फैक्ट्रियों से निकलने वाले राख से फसलों को नुकसान एवं हो रही है खतरनाक बीमारियां। किसान फैक्ट्री बंद कराने की कर रहे हैं पुरजोर मांग। किसान पहले भी अरोहल फूड प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य फैक्ट्रियों की कर चुके हैं शिकायत। दरगाह थाना क्षेत्र के स्थित 2 फैक्ट्रियां। मैं आज इस फैक्ट्री जो हमारी ये फूड फैक्ट्री लगी है इसे इतनी राख उड़ती है जिससे जनमानस को तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, आदमी लोग राख नाक के अंदर शरीर के अंदर जाके मर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन को सूचित किया है, सूचित करने के बाद यहां धरना बैठे हैं, और जब तक ये फैक्ट्री का राख बंद नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस राख की वजह से कुछ लोग अंधे भी हो गए हैं, कुछ लोग तमाम प्रकार की, मैंने बताया ना कि तमाम प्रकार की बीमारियां हैं जिससे लोग मर चुके हैं, कैंसर तक की बीमारी इस राख से हुई है, तो ये मारने का काम फैक्ट्री मालिक जो कर रहा है अभी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।